नमस्कार दोस्तों, न्यूज धरोहर में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इस महापर्व में आज हम आपको लेकर चलते हैं कामाख्या मंदिर के सफर पर। मातृयोनि मूत्रे नमोस्तुते। गुवाहाटी की सुंदर वादियों में स्थित है ये मंदिर। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा जाता है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्ति पीठ कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की योनि का भाग गिरा था, उसी से कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता को रजस्वला होती है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है माँ कामाख्या का शक्ति पीठ। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें राजा विश्व सिंह जीत गए। लेकिन युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। ये बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने पर कामदेव का बनवाए हुए मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे अगले साल राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवाया। कामाख्या देवी की यात्रा को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक आप उमानंद भैरव के दर्शन ना कर लें। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु आपको कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। नवरात्रि पर इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने के लिए साधु संत यहाँ विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर आप भी माँ के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्र के इस महापर्व पर माता की भक्ति की शक्ति देखते रहें सिर्फ न्यूज धरोहर पर। आप हमें कमेंट कर दें अपने सुझाव और बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।